हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप यू आर फाइन। तो आज हम बात करेंगे फिर से ड्रोन्स के बारे में, ड्रोन्स क्वेश्चन आंसर सेशन। जो जितने भी लेटेस्ट हमारे क्वेश्चन और कमेंट्स आए थे आपके, तो वो आज मैं लेने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड थैंक यू फॉर द रिकमेंड। अगर आप नए चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हम बताते हैं ड्रोन टॉक डॉक्टर में एवरीथिंग अबाउट ड्रोन्स, ड्रोन रेगुलरिटी, एवरीथिंग अबाउट ड्रोन्स। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो राजीव कुमार जी शुरू करते हैं। ये पिछले बार कहते हैं यू डिडंट आंसर मी, सो कैन आई नैनो ड्रोन विद कैमरा प्लीज़ आंसर मी रिगार्डिंग इम्पोर्ट पूछ रहे हैं। तो एट प्रेजेंट देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इम्पोर्ट, सो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और परमिशन के लिए जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, तो अभी इम्पोर्ट मत कीजिए। इस खुशहाल देशमुख, इनसे कल भी बात हुई थी, तो ही इज़ आस्किंग फॉर द फैंटम 4 प्रो। तो बेसिकली ये कह रहे हैं, सर आई बॉट फैंटम 4 प्रो इन दिल्ली, सो आई वॉन्ट ट्रेवल विद ड्रोन फ्राम दिल्ली टू नागपुर वाया ट्रेन, नीड यू एडवाइस, शुड आई कीप इट और नॉट। ये औरों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है कि येस यू कैन ट्रैवल विद ड्रोन्स। इसमें बाय एयर प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, एंड बाय ट्रेन देर इज़ नो प्रॉब्लम। और ये ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, कल मेरी इनसे बात हुई थी लाइव सेशन में और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज विनोद सुतर। जय श्री राम सर, जय श्री राम। अभिषेक चौधरी, एवरी ड्रोन नीड्स दिस टेक्नोलॉजी। ये पैराशूट वाली बात कर रहे हैं। Yeah, you are right, Mr. Abhishek. Next is Nayan Agarwal. Very nice drone information, very interesting channel. Thank you, Ms. Nayan, for your comment. Which drone is best for the Indians? ये उस पर बात कर रहे हैं जो मैंने चीप ड्रोन्स के बारे में बताया था। तो बेस्ट ड्रोन अभी तक जो मैं कहूँगा बिगिनर्स के लिए टेलो है, और उससे पहले एक दो मॉडल और JJRC के अच्छे आते हैं, पर वो इंडिया में अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो टेलो आई थिंक इट्स अ गुड। Nayan Agarwal, needed this video, please subscribe this channel. Thank you for supporting our channel. Thanks a lot. Kushal Deshmukh, another good topic. Keep going, sir. Thank you very much, Mr. Kushal Deshmukh ji. ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें और रिकमेंड और ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं अच्छी वीडियोज बनाने के लिए। इज मी 4K drone इज गुड फॉर इट्स प्राइस। ये डिमोलिशन म्यूजिक फॉर मी ड्रोन्स मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इतना खर्चा आपका मी ड्रोन पर इंडिया में हो जाएगा, उसमें आपका मैविक एयर अच्छे से आ जाएगा। तो आई थिंक DJI इज़ ए गुड चॉइस। शिवम घोष, शुभम घोष कह रहे हैं एब्सोल्यूट राइट ब्रो, थैंक यू ब्रो। ब्रो नोकिया 6.1 कैसे रहेगा फॉर द ऐप? ये वो फोन्स वाली वीडियो से पूछ रहे हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन से हैं DJI ऐप के लिए। तो मैंने आपको पहले बताया था, हम रूल ये है कि जिसमें पबजी मोबाइल आपका अच्छे से चलता है जिस फ़ोन में, तो वो बड़े ईजिली अच्छे से रन करेगा उसको। जितना स्मूथ आपका पबजी चलेगी, उतनी स्मूथ DJI ऐप उस पर्टिकुलर फ़ोन में रहेगी। बसंत कदियाम, सर मैंने हाल ही में मैविक प्लेटिनम परचेस किया है, बट मुझे मैविक 2 प्रो लेना है, देन प्लीज़ आप मुझे ये बताएं कि मैविक 2 की इंडिया में अभी क्या प्राइस चल रही है? 125 to 135 lakhs के बीच। फिर से देसी एंटरटेनमेंट चैनल पूछ रहे हैं, ड्रोन इंपोर्ट करवा सकते हैं चाइना से? अभी फ्रेंड्स इंपोर्ट मत करवाइए, नहीं करवा सकते। ये कह रहे हैं एब्सोल्युटली राइट फॉर द चीप ड्रोन्स, थैंक यू सर फॉर द सपोर्ट। हर्षित राज भी कह रहे हैं बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने, थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर द एप्रिसिएशन। उड़ीसा का हनो मी टेलो लिया हनो, ये शायद अपनी भाषा में बोल रहे हैं, टेलो लिया, बहुत अच्छा बिगिनर होना है, थैंक यू मंटू साहू जी। हर्षित राज गुड न्यूज़, थैंक यू। फूडी वर्ल्ड, सर व्हाट अबाउट DJI लॉन्च का कल आपसे बात हुई थी कि अभी FDA का कुछ अड़चन आ गई है, तो जैसे ही अपडेट होता है लेट यू नो। अभिषेक सिंह चौहान, ऑसम, थैंक यू फॉर दैट सपोर्ट। दिवशा, एज यू सेड वेट फॉर 2-3 months टू बाई न्यू ड्रोन्स, एज यू वॉट एक्चुअली गोइंग टू हैपन आफ्टर दिस टाइम, कैन यू बाई ड्रोन्स विद दिस टाइम और वी हैव टू वेट मोर टू समवन टू एस्टेब्लिश अ शॉप देन बाय इट? ये वही बात कर रहे हैं कि 2-3 महीने वेट किया जाए। वो मैं आपको बताता हूँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इट्स बेटर टू वेट एंड बाय इन अ प्रॉपर वे, बट स्टिल इफ़ यू आर ड्रोन लवर एंड वॉन्ट टू enjoy it, then बहुत दिल कर रहा है तो अच्छे रेट पर मिल रहा है तो ले लीजिए। इसमें मेरी कल भी बात हुई थी और सभी फ्रेंड्स जो भी देख रहे हैं उनको मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके दिल में इच्छा है ड्रोन लेने की, गैजेट लवर आप एंड यू लव ड्रोन्स एंड यू कॉन्ट वेट मोर, तो यू कैन बाय, काफ़ियों के पास हो चुके हैं। बस एक यही उसमें रिस्क है कि हमारा ड्रोन आगे, अब फिलहाल तो वो कह रहे हैं कि रजिस्टर हो जाएगा, बट 1-2% रिस्क है, तो मैं वो रिस्क कवर करने के लिए कहता हूँ वेट कर लीजिए। बट इफ़ यू वॉन्ट टू हैव मतलब इफ यू वॉन्ट हैव इफ यू हैव यू एबिलिटी टू टेक रिस्क देन यू कैन हैव इट श्योर। सर सेलिंग स्टार्ट कब कर रहे हो? ड्रोन सेलिंग में अभी टाइम लगेगा क्योंकि उसके प्रोसीजर्स अभी अच्छे से आएंगे तभी सब पता लगेगा, देन आफ्टर दैट आई विल श्योर।
थैंक यू डॉक फॉर इम्पोर्टेंट अपडेट्स ऑन ड्रोन रेगुलेशन मिस्टर चीता रे. थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट कमेंट. जानू जानू कह रहे हैं गवर्नमेंट ड्रोन का लिए सोच रही है या अच्छे बात है पर कुछ नहीं होना नियम से जानते सब हैं पर मानता कोई नहीं. ये तो सब जानते हैं, आपको भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कैसे चलते हैं हमारे यहाँ रूल्स, बट स्टिल वी हैव टू फॉलो देम. और मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ इसी के लिए, तो वी शुड फॉलो. नेक्स्ट इज धीरेन 7, थैंक्स फॉर द अपडेट, वेलकम ब्रो. मिस्टर अनंत कुमार बहुत अच्छा सर, लेकिन मिलेगा कैसे? पैराशूट की बात कर रहे हैं, ये भी टाइम लगेगा ऐसी एक्सेसरीज इंडिया में लाने के लिए. पहले तो अच्छे से ड्रोन ही इंडिया में आ जाए, जब पूरी मार्केट फैल जाएगी, अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगी, तब ऐसी एक्सेसरीज भी आने लग जाएगी पैराशूट जैसी. खुशहाल देशमुख, दैट्स फॉर द अपडेट, कीप गोइंग, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच फॉर ये ड्राफ्ट वाली पॉलिसी, जो सेकंड वीडियो आया था उस पर बात कर रहे हैं. प्राइस क्या है इस ड्रोन की? DJI MG1P द ड्रोन दैट इंडिया नीड्स. ये एग्रीकल्चर ड्रोन की बात कर रहे हैं. ये काफ़ी अभी अगर इसमें अगर मैं अंदाजा ला के बताऊँ आपको तो 7 to 8 lakhs का पड़ेगा. उसके बाद है रॉक स्टार डीजे डियोरिया, नाइस वीडियो सर, थैंक यू वेरी मच. रॉक स्टार डीजे जो कह रहे हैं सर मुझे ड्रोन लो GPS में कंट्रोल से बाहर चला जाता है. रॉक स्टार डीजे आपका क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ. लो GPS का मतलब आप कह रहे हैं तो वहाँ पर आपको इंटरफेरेंस मिल रही है जहाँ तक मुझे इतना पता लग रहा है, तो इंटरफेरेंस को दूर करिए. ऐसा मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे आप अगर आप कुछ मैग्नेटिक पहनते हैं नेकलेस या रिंग्स तो वो निकाल दीजिए और ऐसी जगह पर जाकर ड्रोन उड़ाइए जहाँ पर मैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम हो और GPS का सिग्नल अच्छे से मिले, तभी उड़ाइए. इतना मुझे समझ लग रहा है. और कुछ आपको इसमें जानना चाहते हैं तो डिटेल में क्वेश्चन मुझे दोबारा से लिखिए ब्रो. थैंक यू मिस्टर शुभम. गुरविंदर सिंह चहल जी कह रहे हैं प्लीज़ गिव योर नंबर. नंबर मेरे से काफ़ी लोग मांग रहे हैं. मेरा पहले वाला नंबर जो था यूट्यूब के लिए वो ब्लॉक्ड है. आई मीन वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने न्यू सिम लेना है, लेने ही वाला हूँ जस्ट, तो मैं शेयर कर लूँगा जरूर. विजय जयपाल सर जी और सिनेमेटिक शॉर्ट्स की वीडियो बनाइए. शॉर्ट बनाएंगे, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो थैंक यू वेरी मच. साहिल कुल बॉय कह रहे हैं सर मैं नेक्स्ट वीक बैंकॉक जा रहा हूँ, क्या मैं DJI का मैविक एयर बैंकॉक से परचेज करके दिल्ली घर ला सकता हूँ? देखिए ये काफ़ी क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है, तो लोग ला भी रहे हैं और बेसिकली डिसमेंटल करके लाना पड़ता है और कॉन्फिडेंट रहें पर थोड़ा सा रिस्क रहता है इसमें, बट इस तरह से लोग लाते तो हैं. माजिद खान क्या दुबई से बाय कर लेकर आ सकते हैं क्या? माजिद खान भी यही कह रहे हैं इम्पोर्ट मतलब दुबई से ला सकते हैं, लोग ला रहे हैं फ्रेंड्स, तो डिसमेंटल करके लाइए, बॉक्स मत लाइए, तो 99% चल जाता है बट 1% रिस्क. एंड माई ब्रदर इज सेइंग दैट्स सो टेरिबल अबाउट PVR सेंट्रामॉल का, मैंने ले लिया क्वेश्चन, इट वॉज इज माई क्या था, तो या ऐसे कई बार हो जाता है. तो ये था सम ऑफ द लेटेस्ट कमेंट्स. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी अबाउट ड्रोन्स यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई टेक क्वेश्चन लाइक दिस, क्वेश्चन एसोसिएशन करता हूँ, उसमें मैं सभी आपके लेटेस्ट कमेंट्स के आंसर करता हूँ और जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक्स करता हूँ. और कोई भी आपके मन में कमेंट हो, मन में कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग ड्रोन्स, यू कैन राइट, मुझे आपको आंसर करके बहुत अच्छा लगेगा. एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आगे बढ़ाइए. 3400 जस्ट नाउ हो गए हैं, तो पहले से थोड़ी स्पीड बढ़ गई है बट और स्पीड चाहिए. होप आई विल गेट सो. थैंक यू. जय माता दी.